नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार जगत। उत्तर प्रदेश के बागपत में रहने वाले इरशाद पर कट्टरपंथियों ने यह आरोप लगाया कि वह कावड़ यात्रा में शामिल हुआ और बोल बम का नारा लगाया। दरअसल सोशल मीडिया पर इरशाद की एक तस्वीर वायरल होने के बाद कट्टरपंथियों ने इरशाद के घर में घुसकर उसकी और उसके माता पिता की पिटाई कर दी। अभी कुछ समय पहले ही दिलशेर नाम के एक युवक पर भी इसी तरह हमला किया गया था। उस युवक पर रामचरितमानस का पाठ करने का आरोप लगाया गया था। इसी के साथ उसके घर में घुसकर उसका हारमोनियम और अन्य सामान तोड़ दिया गया था और उसकी और उसके परिवार वालों की भी जमकर पिटाई कर दी गई थी। हाल ही में पश्चिम बंगाल की सांसद नुसरत जहां, जिन्होंने एक जैन परिवार में शादी की और माथे पर सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र पहना, इस पर भी कट्टरपंथियों ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए उन्हें इस्लाम से खारिज करने का फतवा जारी कर दिया। इस्लाम जो कि ऐसा मजहब है जो शांति का संदेश फैलाता है, सिर्फ इस्लाम को मानने वाला अगर किसी दूसरे धर्म की इज्जत कर ले तो इससे क्या वह काफिर हो जाता है? लेकिन जिस तरह का हो हल्ला मचाया जा रहा है, इसमें ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिससे आम धर्म निरपेक्षता को मारने वाला व्यक्ति दहशत में जी रहा है। क्या धर्म के ठेकेदारों और कट्टरपंथियों को भाईचारे से डर लगता है? क्या दूसरे धर्म को इज्जत देने से इनका धर्म खतरे में पड़ जाता है? तथा कथित सेक्युलर लोग वैसे तो धर्म निरपेक्षता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब कोई इस तरह भाईचारे का मार्ग अपनाता है तो उसके साथ कट्टरपंथी सोच के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं मानो कि वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। कहां चला जाता है वह गैंग जिसको ऐसे भारत में रहने से डर लगने लगता है, जहां पर हर छोटे बड़े अपराध के पीछे धर्म निरपेक्षता खतरे में दिखाई देने लगती है और भारत उनको रहने लायक नहीं लगता? सवाल पूछा जाना चाहिए उन तथाकथित सेक्युलर लोगों से और उनके पीछे खड़े हुए राजनीतिज्ञों से कि इरशाद, दिलशेर और नुसरत जहां जैसे मामले में उन्हें कोई कट्टरपंथी दिखाई नहीं देता। सवाल पूछा जाना चाहिए हर घटना के पीछे एक धर्म विशेष को तुष्टिकरण की राजनीति के पर्दे के पीछे खड़े होते हुए उन कलाकारों से जो चिट्ठियां लिख देते हैं कि भारत में भयानक माहौल होता जा रहा है। ऐसे मामले में यह सारे सेक्युलर लोग और असंतुष्ट कलाकार किन पर्दों के पीछे जाकर गुम हो जाते हैं? क्यों उनको भाईचारे की भावना पर कट्टरपंथियों की तलवार चलती हुई दिखाई नहीं देती? इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अखबार जगत।